इजरायली अधिकारी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस बयान में परमाणु हमले का इशारा किया गया है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। इजरायल के एक उच्च अधिकारी ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने परमाणु हमले का संकेत दिया है। ये बयान उस समय आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और उसके पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और ऐसे में इस तरह का बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायली सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो कयामत ढा सकते हैं। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा है कि ईरान ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के दूसरे देश भी उनके खिलाफ आ जाएं तो इजरायली सेना उन्हें बर्बाद कर देगी। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वर्कर काउंसिल के चेयरमैन यायर कार्ड्स ने शनिवार को कहा कि इजरायल के पास एक हथियार है जो ईरान का मुकाबला कर सकता है। अगर हमें लगता है कि अस्तित्व का खतरा है और ईरान, यमन, सीरिया और मध्य पूर्व के सभी देश हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं तो हमारे पास कयामत ढाने वाले हथियार मौजूद हैं। इस अधिकारी का कहना है कि अगर इजरायल की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। ये बयान उस समय आया है जब इजरायल के खिलाफ विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने हमेशा से अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि माना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन परमाणु हमले का संकेत देना वास्तव में गंभीर मसला है। इस तरह के बयानों से तनाव और बढ़ सकता है और इसका प्रभाव वैश्विक शांति पर पड़ सकता है। ये पहली बार नहीं है जब इजरायल ने इस तरह के बयान दिए हैं। इससे पहले भी इजरायली नेताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की बात कही है, लेकिन इस बार का बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद दुनिया के अन्य देश क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कदम उठाते हैं। हम आशा करते हैं कि इस मामले का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकले और दुनिया में शांति कायम रहे।